जो तीसरा अभी अक्यूज जो नहीं पकड़ा गया है उस पर भी 13 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और इन दोनों पे भी है। एंड स्टैब अभी जब तीनों आमने मतलब तीनों आने से एक ही भी क्लियर, सो वील स्टिल होल्ड ऑन टू दैट। कोई मैम सीसीटीवी इसमें मिली थी जिसमें जो स्केचेस था और सीसीटीवी में जो डिस्क्रिप्शन और मैच कर रहा था? इसमें सीसीटीवी जो मिला था उसमें व्हीकल दिखते हैं, मतलब द व्हीकल दैट दे हैव यूज्ड वो, लेकिन नॉट वेरी क्लियर सीसीटीवी बिकॉज वो बड़ा फास्ट मूवमेंट था, लेकिन शक्ल सीसीटीवी में कहीं भी बहुत क्लियर नहीं थी। डू यू हैव रिकवर्ड मैम द नाइफ यूज्ड इन द क्राइम एज वेल रिकवर्ड? नहीं, वो दैट इज आल्सो वी आर वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि इनके हिसाब से दैट फेलो द थर्ड अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड हैज इट। मैम शकरपुर से क्या-क्या लूटा था इन्होंने? शकरपुर से बैग लिया था, बैग में उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ चाबियां थी और थोड़ा पैसा। मैम ये शकरपुर से रॉबरी करके वापस लौट रहे थे तब ये कन्फ्रंटेशन हुआ? जी जी, सो प्रोबब्ली इट वाज तो कन्फ्रंटेशन होने की वजह से दे प्रोबब्ली वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द स्पॉट एज फास्ट एज पॉसिबल, उस वजह से प्रोबब्ली लाइक दिस इंसिडेंट हैपेंड। कौन कौन थे और बाइक पे कौन था ये कुछ क्लियर हुआ? बाइक पे जो अक्यूज हमने पकड़ा है वो बाइक पे थे और जो अभी अब्सकॉन्डिंग है वो स्कूटी पे था। विक्टिम और अक्यूज एक दूसरे को नहीं जानते? विक्टिम और अक्यूज नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं जी, पहले शकरपुर में हुआ है। इसमें रॉबरी मोटिव का क्या था? इसमें कोई मोटिव रॉबरी का नहीं था, इट वाज प्योरली अ रोड रेज इंसिडेंट जहाँ पे उसकी व्हीकल और इनका टू व्हीलर आमने सामने हो गया। दे गॉट इनटू एन आर्गुमेंट, हमारा डिसीज गाड़ी से उतर के दे गॉट इनटू एन आर्गुमेंट जिसकी वजह से ये हुआ है। इवन द इंजरी वॉज मतलब ऐसा वाला नहीं था कि कोई मर्डर वाला चीज तो नहीं हो रहा था ना। चाकू किसने मारा था? चाकू मोस्ट प्रोबब्ली जो हमने जो दो अक्यूज अरेस्ट किए उनमें से एक ने मारा है, बट वो पूरा क्लैरिफाई हो गया मतलब थर्ड वन का। तीसरा वाला की पहचान जो है वो क्या है? मैं नाम उसका आई नॉट बी रिवीलिंग दैट क्योंकि टीम ऑलरेडी उस पे लगी हुई है। इन दोनों का डिटेल मैंने दे दिया, देयर इज अ प्रेस रिलीज आई एम सर्कुलेटिंग। स्केच तो सीआरओ बनाता है, क्राइम ब्रांच बनाता है, बट यस हमारे दोनों कंप्लेनेंट इनके शकरपुर वाले और हमारे कंप्लेनेंट दे गिव वेरी गुड डिस्क्रिप्शंस एंड देयर वाज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशंस आल्सो मार्क्स व्हिच दे गिव जिसकी वजह से इट हेल्प्ड अस इन नारोइंग डाउन ऑन दीस पीपल। कितने वुंड्स थे मैम? एक ही वुंड वो था, स्टैब इंजरी सिंगल। और वो पैसा कितना था बैग में जो वो लूट के? वो डिटेल आपको शकरपुर वाले बता देंगे, वो उनका केस है।